बच्चों, अभी आपने देखा कि जब किसी समतल पर हम दिशाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हमारे पास चार मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इनके बीच के स्थान के लिए भी हमने कुछ उप दिशाएं देख ली, जैसे आपने उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के नाम से जाना। लेकिन किसी समतल पर या बड़े भूभाग पर जब हम देखना चाहें तो इनके बीच बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जो ठीक ठीक इन आठ दिशाओं में नहीं आते। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया था, हमने इन उप दिशाओं के बीच में भी रेखाएं खींची और हमको आठ और उप दिशाएं मिल गई और हमने उनका भी नामकरण कर लिया। लेकिन वो पहले वाली समस्या तो अभी भी बनी है। जब इन दिशाओं के आधार पर पृथ्वी के किसी भूभाग के किसी स्थान के बारे में बताना चाहेंगे कि वो इसके कितनी दूरी पर या कहां पर किस दिशा में है, तो इतनी जानकारियां पर्याप्त नहीं होती। तब इसके लिए हम कोणों का इस्तेमाल करते हैं। कोण, जी हाँ, जिसे आपने रेखागणित में अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत सारी जगहों पर आपने उसका इस्तेमाल किया है। तो आप सोच सकते हैं कि यहां हम कोण का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपको याद होगा, जब आप कोण की बात करते हैं तो एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कोण बन रहा होता है और एक आधार रेखा भी होती है जहां से आप कोण को नापना शुरू करते हैं। तो ठीक हमें यहां पर उस तरह की दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम रायपुर में हैं और रायपुर से हम जगदलपुर की दिशा जानना चाहते हैं या रायपुर से हम कलकत्ता की दिशा जानना चाहते हैं, तो हमें रायपुर पर जो बिंदु लेना होगा उसे हम मूल बिंदु के नाम से इंगित करेंगे, मूल बिंदु के नाम से जानेंगे, और एक रेखा भी चाहिए होगी। तो हम यहां पर इस स्थान से जो उत्तर दक्षिण को जाने वाली रेखा है उसको आधार रेखा मानेंगे और फिर हम उस स्थान के कोण की गणना करेंगे जिस स्थान के बारे में हम पता करना चाहते हैं। इसे आप इस समतल पर समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका वो बिंदु है जहां से आप कोण या किसी स्थान की लोकेशन को, जगह को पता करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बिंदु को हम आधार बिंदु मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, और यहां से होकर जाने वाली जो उत्तर दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा है उसको हम आधार रेखा मानेंगे और एक ऐसे चांदे का उपयोग करेंगे जो शून्य से लेकर 360 डिग्री तक माप कर सकता है, यानी पूरा वृत्ताकार चांदा। आपके कंपास बॉक्स में जो चांदा है वो आधे वृत्त के बराबर होता है, आधे वृत्त के जैसा होता है, लेकिन यहां पर हम जिस चांदे की बात कर रहे हैं वो पूरे वृत्त को प्रदर्शित करता है, डिस्क कह सकते हैं आप उसको। तो उसको हम इस तरह से रखेंगे कि उसका जो मध्य बिंदु है वो उस स्थान पर हो जहां पर आप खड़े हुए हैं और उसकी जो शून्य वाली रेखा है वो ठीक उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली रेखा पर पड़े। तो ये जो उत्तर दिशा को जाने वाली रेखा है इस स्थान से, वो आपके चांदे के शून्य पर होगी। अब आप बात पूछ सकते हैं कि मुझे नापना किधर है, इस तरफ पढ़ना है या इस तरफ पढ़ना है, क्योंकि चांदे पे दोनों तरफ पैमाने बने होते हैं जो दोनों दिशाओं में पढ़े जा सकते हैं। तो यहां पर हमें यह सावधानी बरतनी है कि हमारा जो माप होगा वो दक्षिणावर्त होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। दो दिशाएं हो सकती हैं, घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। तो हमें यहां पर जो कोण पढ़ना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की सुई की दिशा में पढ़ना है। तो चलिए एक बार हम पढ़ के देखें। मान लीजिए हमने समतल पर तीन स्थान चुन रखे हैं, जैसे एक स्थान वहां पर अ है, एक स्थान यहां ब है और एक स्थान यहां पर स है, और मान लीजिए ये बिंदु ओ है जहां से आप सारी जगहों के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो किस दिशा में है। तो हमने यहां पर चांदा रख दिया और चांदे को ठीक उसी तरह से रखा है जैसे अभी हमने बात की। चांदे का ठीक मध्य बिंदु इस जगह पर है और चांदे की जो शून्य वाली रेखा है वो उत्तर दक्षिण दिशा में है। अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक ही पोजिशन है, एक ही जगह है, वो चांदे पर 28 डिग्री पर दिखाई पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि बिंदु ए या बिंदु अ बिंदु ओ से 28 डिग्री पर स्थित है। अब ब के बारे में देखिए, ब यहां कहीं पर है, तो आपने शून्य से लेकर 90, 90 से 180 यहां पार किया और थोड़ा सा इसके आगे आ गए और आप देख रहे हैं कि ये 186 डिग्री पर है। तो आप कह सकते हैं कि ओ के सापेक्ष बी की स्थिति या बिंदु ब की स्थिति 186 डिग्री पर है। अब थोड़ा और आगे आइए, आप यहां पर एक बिंदु स को देख रहे हैं। ये बिंदु स जब आप चांदे पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 90 फिर 90 और फिर 90, 270 डिग्री तो इस लाइन की तरफ जा रहा है और फिर आप थोड़ा सा और आगे आ रहे हैं तो देख रहे हैं ये 284 डिग्री पर स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि ओ के सापेक्ष बिंदु सी 284 डिग्री पर है। यहां पर आपने सिर्फ डिग्री
की बात की और यह बताया कि कोई स्थान दूसरे स्थान से कितने डिग्री पर है। उस स्थान की सही स्थिति पता करने के लिए हमको अगर एक पैमाना भी लें और यहां से बताएं कि यहां से इतनी दूरी पर है, ये पैमाना निर्भर करता है कि आपने पैमाना चुना कैसे है। वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पैमाने हैं इनकी मदद से किसी एक बिंदु के सापेक्ष हम दूसरे बिंदु के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। ये तो हो गई कोण के माध्यम से किसी एक स्थान के संदर्भ में दूसरे स्थान के बारे में बात करना। लेकिन यदि आप कल्पना करें कि आज से काफी समय पहले, जब दिन में तो हम सूर्योदय और सूर्यास्त के माध्यम से दिशाओं का पता करते थे, रात में लोग कैसे दिशा का पता करते रहे होंगे। तो रात में जब हम दिशाओं के बारे में जानना चाहते थे तो उस समय एक बड़ा आधार होता था, वो था ध्रुव तारा। आपने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में सुना होगा, ध्रुव तारे पर आपने कुछ कहानियां भी सुनी होंगी। और वो जो ध्रुव तारा है उसके लिए हमारी मान्यता है कि वो अपना स्थान नहीं बदलती। पृथ्वी से रात को आप देखें तो अलग अलग समय पे तारे अपनी जगह बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वास्तव में तारे अपनी जगह उस तरह से नहीं बदलते, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और आप जानते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण जितने भी आकाशीय पिंड हैं सब घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ध्रुव तारे के साथ एक खास बात है कि वो अपनी जगह नहीं बदलती। कभी आपने सोचा ऐसा कैसे होता है? आप जब विज्ञान पढ़ेंगे या जब आप भूगोल के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ध्रुव तारे की स्थिति है वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर, यानी उसके अक्ष पर स्थित होती है। और अक्ष पर स्थित होने के कारण पृथ्वी के किसी भी स्थान से हम किसी भी समय पर देखेंगे उसको तो हमें लगेगा कि वो उसी डिग्री पर है, उसी कोण पर है। तो यही एक वजह है कि हमें लगता है कि ध्रुव तारा अपनी जगह नहीं बदल रहा है। एक और आपको हम बात बताएं कि पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच की आप कल्पना कर सकते हैं कितनी दूरी होगी? आप सोच सकते हैं हम किलोमीटर में नाप सकते हैं। यदि आप किलोमीटर में नापना चाहें तो एक बहुत बड़ी राशि आपको मिलेगी। तो उसको नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष की इकाई का उपयोग करते हैं। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश की किरण जितनी दूरी तय करती है वो एक प्रकाश वर्ष होता है। तो पृथ्वी से या हमारे सौर मंडल से, सूर्य से जो ध्रुव तारे की दूरी है उसे 1990 में जब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था तो उन्होंने कहा था ये 434 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन 2007 से 10 के बीच में जो अध्ययन हुए उसे ये पता चला कि हमारे सौर मंडल से या सूर्य से या हमारी पृथ्वी से उस ध्रुव तारे की जो दूरी है वो 323 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारियां थी जो आपके अंदर में जिज्ञासा पैदा करती है कि आप अपने आकाश के बारे में, दिशाओं के बारे में, पृथ्वी की दूसरी जानकारियों के बारे में और अधिक पढ़ें, नई जानकारियां लें और देखें कितना मजा आता है जब हम अपनी इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं।